The Internet is full of bro science fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So we are going to talk about uh, the gut health. Kya aapke, aapke pet ki gut ki health or heart ki health क्या वो रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है कैसे नहीं है आज इसी टॉपिक पे हमारी बातचीत होने वाली है सो यस सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट सो गट हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ के ऊपर बातचीत होगी और इसके अलावा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जितना हो सके एज यूजल सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वील बी टॉकिंग अबाउट गट एंड हार्ट कनेक्शन सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट ऑन दिस कई सारे रिसर्चिज़ uh, हैं इसके ऊपर कई सारे कनेक्शंस हैं और वाई uh, कई बार हमने सुना है कि हार्ट के हेल्थ के, के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पेट को सही रखें जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है और uh, Uh, पाचन शक्ति जो है बहुत ही जरूरी हो जाती है वाई वाई दोज थिंग्स आर सेड और क्यों ऐसा बोला जाता है इस चीज़ के बारे में आज हम बातचीत करेंगे एंड वील बी वील बी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ऐसा है क्यों ऐसा uh, किस लिए है राइट एंड यू नो के आपके इंटस्टाइन्स uh, में ही आपके सारे दुनिया भर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो भी आप खाना खाते हो वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होता है आपके इंटेस्टाइन से सो इट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्वियसली uh, जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खाएंगे वही आपके हेल्थ बनाएंगे वही आपके हार्ट को मान लीजिए आप ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा खा रहे हैं मान लीजिए आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खा रहे हैं आपको आप मोटे हो रहे हैं फैट ज़्यादा खा रहे हैं काप ज़्यादा खा रहे हैं सो वट एवर माइट बी रॉन्ग और गुड इन यू इज़ ऑलरेडी ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर गट सो गट हार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है एंड the connection is obviously about what you eat and what kind of food is there aaj ki lamba zamane mein zamane ka food bhi badal gaya dekhiye zamana badal gaya food ban gaya quality of food badal gaya ab aa gaya hai processed food the most biggest problem in the world is processed food jo मतलब food को जो चार दिन रहता है आपके घर में जो बना हुआ fruit दो दिन चार दिन टिकता है processed food महीनों महीनों टिकता है महीनों महीनों टिकता है shelf में पड़ा रहता है और उस प्रोसेस्ड फूड में केमिकल्स और बाकी सारी चीज़ें हैं सो दीज आर जस्ट वन एग्जाम्पल कहाँ पर आपके गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है सो अ लॉट ऑफ डिजीजेज आर देयर जैसे ऐसे ही मान लीजिए हम आपके गट बैक्टीरिया को अगर मान लें गट बैक्टीरिया सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है अगर वहां पर गड़बड़ हो जाए जिसको हम एक सिम बोलते हैं कि सही से आप उस बैक्टीरिया के साथ जी रहे अगर वो गड़बड़ हो जाए जो डिसोसिस हो जाए सो वहां पर एक बहुत स्ट्रांग लिंक देखा गया है हार्ट की बीमारियों के साथ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस के साथ अब दिस इज प्रूवन इन रिसर्च यू कैन रिसर्च बायर सेल्फ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ जिसमें बैक्टीरिया जो है वो ओवर ग्रो हो जाते हैं दैट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्क और यहाँ पर भी आपके कार्ड uh, हार्ट के रिस्क देखे गए सीलिया डिजीज आपने सुना होगा उसमें भी देखे गए क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर किसी भी प्रकार का कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके स्ट्रोक uh, के रिस्क हार्ट की बीमारियों के रिस्क हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ा सकता है अब सीलेक डिजीज़ क्या है आपको पता ही है डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है आपके स्मॉल uh, इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है उसमें आपके डाइजेस्ट uh, नहीं कर पाते हैं आप कुछ न्यूट्रिय कुछ चीजें जैसे uh, कुछ चीजें आपके अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती है सीलेक्क डिजीज में आयरन विटामिन बी ट्वेल्व कैल्शियम पीपल विथ सीलेक्क डिजीज आर नॉट एबल टू टॉलरेट ग्लूटेन ग्लूटेन कॉलरेट ग्लूटेन के बारे में सुना ही होगा ग्लूटन को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं जो प्रोटीन है जो वीट में गेहूं में राई में बार्ली में ओट्स में पाया जाता है जो कि उनके अंदर जाके एक एक, एलर्जिक रिस्पांस ट्रिगर करता है एक स्टडीज में यह देखा गया है कि यह प्रकार की जो बीमारी है ना सिर्फ ये विटामिन बी ट्वेल्व कैल्शियम आयरन में डेफिशिएंट होंगे बल्कि इनके हार्ट की बीमारी के रिस्क भी बढ़ जाएंगे ब्लड प्रेशर की बीमारी के वेट गेन की बीमारी के रिस्क बढ़ जाएंगे सेम गोज विथ सीबो सेम गोज विथ सीबो मीन स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एंड uh, ये ये भी स्टडी हो चुकी है और uh, जो बैक्टी सिम्बायोसिस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बैक्टीरियल गट उसकी भी इम्पॉर्टेंट रोल है तो आप क्या कर सकते हैं सो so, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई आपको अपने अपने हेल्थ को बेटर कैसे रखना है यू हैव टू बूस्ट योर गट बैक्टीरिया हेल्थ बाई ईटिंग मोर प्लांट्स ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला रोल है ईट मोर प्लांट्स प्लांट्स मतलब वेजिटेबल्स जितने ज़्यादा वेजिटेबल खाएंगे उतना अच्छा है ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए ओके ईट एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल क्रूसिफरस वेजिटेबल्स आर वेरी हाई इन फाइबर ब्रोकली पत्ता गोभी उसमें फाइबर ज्यादा है ग्लूकोसिनोलेट्स ज्यादा है कई सारे एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंसेज हैं फाइटो फाइटोइ्रोजन पाए जाते हैं जी हाँ फाइटोइ्टोजन आर ऑल्सो गुड कई लोग कहते हैं सर क्रूसिफरस वेजिटेबल्स से थायरॉइड प्रॉब्लम होता है होता है अगर आप उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कच्चा खाएंगे कच्चा मत खाइए पका लेते हैं तो उसके अंदर जो कारसी जो थायराइड को प्रॉब्लम करने वाले जो ग्वाइट्रोजन्स हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं अच्छे से पका के खाइए बनानाज, बनानाज जो है वो गट के लिए बहुत अच्छे हैं केले खाओ केले बहुत अच्छे हैं बोलते हैं गट इज वेरी हेल्दी इफ यू ईट केला नॉट केला बट साथ में कुछ भी खा सकते हो केला इज वेरी गुड बीन्स आर वेरी गुड दे हैव वाइटाम और वो आपको फुल रखेंगे तो इसलिए बीन्स जितना हो सके दालें वो खाओ राइट वेरी वेरी गुड आप कई सारे फ्रूट्स खाओ बेरीज खाओ बेरीज इम्यून सिस्टम एनहांस करेंगी दही खाओ सबसे दुनिया को सबको पता है भाई दही खाना है बनाना खाना है और बेरीज खानी है दही के ऊपर डाल के तुम खा सकते हो ठंड में मत खाओ गर्मी में खा लेना है ना दीज आर गुड थिंग्स तो कई सारी ऐसी स्टेप्स हैं जो आप इम्प्रूव यू कैन फॉलो डैश डाइट यू कैन ईट अ गुड यू कैन हैव अ गुड कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेव अनलेस यू आर हैविंग सीलेट डिजीज हेल्थी फैट्स खा सकते हैं ओमेगा थ्रीज ले सकते हैं ओमेगा सिक्स ओमेगा थ्री का रेशियो मेंटेन कर सकते हैं कम क्वांटिटी में घी ले सकते हैं राइट यू कैन टेक फिश पोल्ट्री एग्स आप इवन uh, uh, कभी कभी रेड मीट भी ले सकते हैं बट इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेट में जो डाल रहे हैं वो सोच समझ के डालें अवॉइड प्रोसेस्ड फूड बाहर से चिप्स है या पैकेट में बंद चीजें हैं बेकरी की चीजें हैं अवॉइड दैम कम से कम रखो दैट विल गिव यू द बेनिफिट इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग रन सड़क वाली चीजें कम खाओ रोड ट्राइव रोड साइड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं रोड साइड में चलती गाड़ियों के आसपास सारे हवा में केमिकल्स होते हैं तो कैन एक्सपेक्ट कि, एक कि वहाँ पे जो पकड़ा है उसमें भी केमिकल्स ही आएंगे उसमें भी केमिकल्स होंगे चाहे वो हाइजीनिक जगह भी हो रोड साइड फूड कम खाओ अनफॉर्चुनेट है उनके लिए जो रोड साइड पकाते हैं मगर आज का ट्रोथ यही है आपको अपनी लाइफ अपना देखना जरूरी है रोड साइड फूड कम पैकेज फूड कम कम मतलब कभी कभी खा लोगे तो कुछ नहीं होगा बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यू ईयर में न्यू रेसोल्यूशन नया चीज सही बनाओ हेल्थ इज वेल्थ गट हेल्थ इज हार्ट हेल्थ गट हेल्थ इज ब्रेन हेल्थ दिमाग भी गट से कनेक्टेड है हार्ट भी गट से कनेक्टेड है दुनिया की हर चीज आपके पेट के अपने पाचन शक्ति से कनेक्टेड है पाचन शक्ति को क्या चाहिए सही मात्रा में पानी पानी नहीं होगा तो आप आटा नहीं गून सकते घर पे पानी नहीं होगा तो आपके शरीर नहीं साफ होगा आपका मुंह नहीं साफ होगा आपके हाथ नहीं साफ होगे तो पानी नहीं होगा शरीर के अंदर तो खाना कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा खाना कैसे असीमुलेट हो जाएगा सो यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर यू नीड टू ड्रिंक थ्री लीटर्स ऑफ लिक्विड एटलीस्ट दो से तीन लीटर टू टू थ्री लीटर्स ऑफ लिक्विड इवन इन लिक्विड लो पानी नहीं ले सकते हो सूप लो जूस लो कोई काढ़ा लो कोई नारियल पानी लो वॉट एवर यू वॉन्ट जो आपको सूट करता है जिस में वो लो बट लिक्विड इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूर गर्ल थर्ड इज प्रोबायोटिक्स दही हो गया या एनी फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक कैप्सूल लेनी है वो ले लो डजेंट मैटर फोर्थ इज स्लीप स्लीप इज बहुत इंपॉर्टेंट एटलीस्ट सिक्स टू एट आवर्स ऑफ स्लीप छः घंटे मिनिमम सेवन टू एट इज वेरी गुड सेवन टू नाइन इज बेस्ट है उसके अलावा यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी नॉट एक्सरसाइज एक्सरसाइज जरूरी नहीं एक्सरसाइज इज वेरी गुड एक्सरसाइज करोगे तो उससे जैसा कुछ नहीं है बट फिजिकल एक्टिविटी तो करो भाई एटलीस्ट यू कैन डू फिजिकल एक्टिविटी उतना तो कर सकते हो है कि नहीं सो फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन यूर लाइफ विच यू विल एवर आज के डेट में अगर आप 2021 में बीमारियां या इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहते हो तो योर गट नीड्स टू बी स्ट्रांग योर हेल्थ नीड्स टू बी स्ट्रांग उसमें ये स्टेप्स आपको लेने कंपलसरी हैं अगर आप हमारी साथ जुड़े हैं हमारी फैमिली में जुड़े हैं तो भैया इसको जरूर करो और लोगों को भी कराओ दबा दबा के इसको शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो और अपने सवाल पूछो हम आपके सवाल के जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे